भागने की कोशिश करते हैं हमारे चुंगुल से, गायों भैंसों के साथ और दूसरे प्राणियों के साथ कर सकते हैं, इंसान के साथ तो हम कर ही सकते हैं ना। कलयुग है, हो गए, ऐसे ऐसे नहीं बैठा जा सकता। कंपैशन और काइंडनेस सारे ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं ना वो बेजुबान नहीं होते, वो हर तरीके से भागने की कोशिश करते हैं हमारे चुंगुल से, है ना। जब हम उनको पकड़ते हैं, चाहे हम जब देख रहे हो कि कोई मुर्गे को काट रहा है, जब हम देखते हैं कि गाय के दो पैर पीछे जब दूध निकलता है तो पैर बांध दिए जाते हैं ताकि वो लात ना मारे, वो रिजेक्ट ना करे, तो हमें जो सारे एक्शन समझ में आ रहे हैं हम फिर भी अपने आंखों में पट्टी बांध के बैठे हैं, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है और एक्सप्लॉइट करने की आदत पड़ चुकी है। और यही मानसिकता क्या होता है ना, यही मानसिकता फिर दूसरों के ऊपर निकलती है, दूसरों पे हम करते हैं यही अत्याचार। तो ये हमारी मानसिकता, ये हमारे एक्शंस में आ गया। अगर हम गायों भैंसों के साथ और दूसरे प्राणियों के साथ कर सकते तो इंसान के साथ तो हम कर ही सकते हैं ना, नहीं कर सकते। तो वो तो हमारी मानसिकता हो गई, हम अपने आप को एक ऐसी पोजिशन पे रख रहे हैं जहाँ पे हमें, हम सोचते हैं हम अलाउड हैं और हम ओके हैं, खुद को हम बोलते हैं कि हम ओके भी करने के लिए, ये करना मतलब ये कर सकते हैं हम। विजेंद्र जी, और दूसरी चीज मैं ये भी बोलना चाहूंगी आपको कि अगर हम कोई चीज देख रहे हैं ना गलत होते हुए तो उसके लिए बोलना बहुत जरूरी है। हम ये सोच के नहीं बैठ सकते कि अरे यार ये तो हो ही रहा है, ये तो कलयुग है, ऐसा तो हो गया, नहीं हमें बोलना पड़ेगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, ये तो ऐसी बात हो गई कि अब हम आलस करें क्या। अगर हमारे घर वाले के साथ ऐसा होता या हमारे घर के किसी पर्सन के साथ ऐसा होता तो हम चुप बैठते, अगर वो परेशान हो रहा होता, तड़प रहा होता या सो तकलीफ हो रही होती है तो हम कुछ करते हैं ना उसके लिए, कि हम चुपचाप बैठे रहते हैं ये सोचते अरे ये तो हो ही होगा ही। हमारे माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, अगर वो बोलते हैं कि अरे बेटा हमारे जोड़ों में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास ले जाओ, तो हम बैठे रहते हैं ये सोचते कि अरे अब तो आप बूढ़े हो गए हो, आपके जोड़ों में दुख रहा है, कोई नहीं इस एज में तो होता ही है, चलो इग्नोर करो। हम ऐसा नहीं करते कभी, राइट। हम जाएंगे अपने माँ बाप को लेके जाएंगे हॉस्पिटल, पर जब इन प्राणियों के साथ ऐसा होता है जो सेंटिएंट बीइंग है जो हमारे साथ इस धरती पर रह रहे हैं, तब हम बोलते हैं क्या, एक्सक्यूज देते, अरे दुनिया तो ऐसे ही है, कलयुग है, हो गए, ऐसे ऐसे नहीं बैठा जा सकता। अगर हमें सच में कंपैशन है, सच में काइंडनेस है ना थोड़ी भी, तो हम इस चीज के बारे में बात करेंगे और बोलेंगे। और आई एम वेरी श्योर सभी में होती है कंपैशन और काइंडनेस, सारे ह्यूमंस में एग्जिस्ट करती है। तो वो कहीं ना कहीं है हमारे, हम सबके अंदर है, बस यही है कि थोड़ा हम इजी पाथ चुनते हैं जिसमें हमें बिलीव करा दिया जाता है कि ये सही है और इसको ऐसा करना सही है, अगर किसी जानवर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वो नहीं है सही तरीके से, बिल्कुल भी सही नहीं है। हरियाणा ब्रांड इज वीगन एंड शी इज हैप्पी सिंगिंग परफॉर्मिंग, या दैट्स राइट। मैं मंदिर जाता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, बहुत अच्छी बात है राम जी कि आप ऐसे नहीं हैं, पर मोस्टली लोग होते हैं ऐसे, और बहुत अच्छी बात है कि आप ऐसे नहीं हैं। तो क्योंकि आपका नाम राम है तो सच्चाई का पाथ चुनिए, जाइए वो डेयरी फार्म्स में, वो स्लॉटर हाउसेस में, अपने आप को एनलाइटन कीजिए सच्चाई से दुनिया की, और इनके लिए कुछ बोलिए, पशुओं के लिए, और वीगन बनिए मोस्ट इम्पोर्टेंटली।
राम जी, आप सोचिए वो कौन सा युग था जब कृष्ण जी थे इस धरती पे, वो कौन सा युग था? क्या आज वो युग है? ये आप खुद से पूछिए, ये खुद से क्वेश्चन कीजिए। अगर किसी चीज के बिना हम जी सकते हैं, हम बहुत अच्छा जी सकते हैं, तो फिर उस चीज के लिए हमें क्यों क्यों किसी पशु को इस धरती पे लेके आना है और उसको एक दायरे में रखना है और उसके साथ ऐसा करना है और फिर उसका दूध लेना है। कृष्ण जी ने, मतलब अभी मैं सच बताऊं, बेचारे जो कृष्ण जी है ना, वो तो है ईश्वर, ठीक है, वो बोलते होंगे, मतलब जब ऐसे उनको आई एम श्योर भगवान हर जगह है, मैं मानती हूँ भगवान हर जगह है, तो आई एम श्योर वो सोचते होंगे कि यार लोग मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं। उनको तो पता है होना चाहिए ना कि जो गाय है और भैंसे हैं वो इतना तड़प रही है, तरस रही है आजादी के लिए, और वो नहीं, उनके वो नहीं चाहती कि उनके साथ ऐसा हो, फिर भी लोग मेरा नाम ले लेकर उनको प्रताड़ित क्यों कर रहे हैं। तो ये तो वही वाली बात हो गई।